नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एचडीएफसी बैंक में नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि पहली बार एचडीएफसी बैंक के अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसीज को आउट किया गया है, जिसकी पूरी जानकारी हम लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए काफी बल्क में हायरिंग ली जा रही है और काफी अर्जेंट यहाँ पर हायरिंग हो रही है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आज ही अप्लाई कीजिएगा। हाथों हाथ आपको कुछ दिनों के अंदर यहां पर जॉइनिंग भी मिलने वाली है। तो मतलब कि यहां पर डायरेक्ट सिलेक्शन रखा गया है, सिर्फ आपको अप्लाई करना है और आपको ये जॉब मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो भी हम आपको बताएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के इस वीडियो का, ऑनलाइन फॉर्म भरने का। तो दोस्तों, आपको इस वैकेंसी के लिए रजिस्टर कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, पूरी जानकारी आपको देंगे। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहां पर एचडीएफसी बैंक में जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, ये जो जॉब है ऑल इंडिया की जॉब है। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या में रहते हैं दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल जो हैं, लड़के और लड़कियां अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर 10th क्लास से लेकर के 12th और ग्रेजुएट पास सभी के लिए जॉब है, और कोई भी फीस आपको यहां पर नहीं जमा करानी है। अप्लाई करते समय बिल्कुल फ्री में आपको अप्लाई करना होगा, आपका कोई भी यहां पर एग्जाम नहीं लिया जाएगा। बिना एग्जाम के आपको यह जॉब मिलने वाली है। तो डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो रहा है बिना एग्जाम के, सिर्फ आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस वैकेंसी की कि आपको फॉर्म अच्छे से भरना है, ताकि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए, किसी भी कारण से आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो सारी जानकारी आपको देंगे और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे वो भी हम आपको बताएंगे, ताकि आप अच्छे से डॉक्यूमेंट्स की तैयारी के साथ में अप्लाई कर सकें। तो वीडियो काफी खास है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब करें। ये जो चैनल है इंडिया का नंबर वन एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको 100% रियल जॉब की जानकारी दी जाती है। तो आज ही सब्सक्राइब करें और पास में आपको घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नए जॉब के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने वाले हैं। और आप हमारे चैनल पर विजिट करके नई जॉब की जानकारी भी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की नई भर्ती की सीधा ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। तो यह हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है tipswarrelbus.xyz। आप चाहे तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं और नीचे आकर के आप एचडीएफसी बैंक के अलावा नए बैंक की जॉब की जानकारी ले सकते हैं बैंक के सेक्शन से। ठीक है, यहां पर जो भी नए जॉब निकाले गए हैं बैंक के, वो आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं, और इनका लिंक भी आपको दिया गया है अप्लाई करने का, डायरेक्टली आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं आज की नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि एचडीएफसी बैंक की नई जॉब है साल 2024 की। एचडीएफसी बैंक की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, ऑल इंडिया की जॉब है मेल और फीमेल के लिए। ठीक है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, लड़के और लड़कियां, ऑल इंडिया से सभी स्टेट से आवेदन मांगे जा रहे हैं। कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने है, चेकआउट कर सकते हैं। आरपीओ की वैकेंसी है, डबल ओ की है, आउटरीच ऑफिसर की है, असिस्टेंट की है, अकाउंटेंट की है, क्लर्क की है, एचआर मैनेजर की है, बीएसओ की है, बीएम की है, सेल्स ऑफिसर की है, ऑफिसर की है। मल्टीपल जॉब्स यहां पर आउट की गई है, और यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज यानी कि टोटल जो वैकेंसी है 26,500 से अधिक है। और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, केवल फ्रेशर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस तो अप्लाई कर ही सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। सिलेक्शन कैसे रहेगा, सिर्फ आपका इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, डीवी होगा। ठीक है, तो यहां पर इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन होने वाला है, कोई भी एग्जाम नहीं होगा, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने होंगे सारे, क्योंकि सबमिट मतलब कि आपको यहां पर ज्वाइनिंग के समय आपको सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे। ठीक है, वही यहां पर सैलरी की बात की जाए तो एचडीएफसी बैंक के रूल्स के हिसाब से आपको सैलरी जो मिल रही है 28,000 रुपए कम से कम आपको सैलरी मिलेगी, 95,000 रुपए तक आपको मैक्सिमम यहां पर सैलरी मिल जाएगी। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया की है, जहां कहीं भी इसकी ब्रांचेस होगी वहां के लिए आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, वहां पर आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वही एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम 50 साल है। ठीक है, तो 18 साल आपकी कम से कम एज होनी चाहिए। वही फीस सभी के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई भी कैंडिडेट जो है किसी भी प्रकार का यहां पर चार्जेस पे नहीं करेगा, फ्री में अप्लाई करना है। क्वालिफिकेशन में 10th 12th ग्रेजुएट आईटीआई डिप्लोमा डिग्री सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में बताया कि यहां पर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन-कौन से हैं, सबसे पहले आपका रिज्यूमे सीवी, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपका जो सीवी है वो अपडेट करके आपको अपलोड करना होगा। वहीं दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके जो भी क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट हैं उनकी कॉपीज आपको सबमिट करनी होगी, और आईडी प्रूफ में जो भी गवर्नमेंट द्वारा इश्यू आपके पास आईडी है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है, आप यहां पर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है,
वहीं दोस्तों यहां पर एक्सपीरियंस का अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हैं, अदरवाइज इसे आप खाली छोड़ सकते हैं अगर आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको सबमिट करनी होगी। एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप चाहे तो आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड या बिजली का बिल जमा करा सकते हैं, और बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको जमा करानी होगी जिस बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट खुला हुआ है, ताकि आपकी जो सैलरी है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा सके। ठीक है, तो आपको यहां पर बैंक अकाउंट का, जिस बैंक का नाम है वो नाम, आपको आईएफएससी कोड देना होगा, आपकी जो फोटोकॉपीज है वो आप दे दीजिएगा। ठीक है, और जो भी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो आप यहां पर सबमिट कर सकते हैं। और अप्लाई कैसे करना होगा एचडीएफसी बैंक की जॉब के लिए, वो कंप्लीट प्रोसेस आपको बता रखा है, ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सकें। बाकी अप्लाई करने का लिंक आपको नीचे दे रखा है, यहां से आप क्लिक करके नए पेज पर आ जाएंगे दोस्तों। और यहां पर आकर के आपको नीचे आना होगा, और यहां पर एक इमेज के नीचे आपको लिंक मिलेगा, यहां पर आपको क्लिक करना है सिंपली, और आपको इस ऑनलाइन फॉर्म को भर के सबमिट करना होगा। तो दोस्तों ये फॉर्म है, इसको आपको भर करके सबमिट करना है। यहां पर आपका टाइटल सेलेक्ट करना है, जिस टाइटल के आपके हैं तो आपके नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, जेंडर क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्रेफर्ड लोकेशन कहां की रहेगी आपकी, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, करंट जॉब क्या है, आपका रिज्यूमे अपलोड करना है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, सारी जानकारी आपको देनी है, चेकबॉक्स को राइट करने हैं, और फाइनली आपको कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना है। कुछ ही दिनों में आपको कॉल आ जाएगी, अगर आप इस अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं तो आपको ये जॉब मिल जाएगी। बाकी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और रोजाना नई जॉब की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।